ओम श्री गणेशाय नमः। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंध 13वां अध्याय यति धर्म का निरूपण और अवधूत प्रहलाद संवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच। कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रियाद्यदियसौवासः कौपीनाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादे रन्यत्किञ्चिदनापदि। नारद जी कहते हैं, धर्मराज, यदि वानप्रस्थी में ब्रह्म विचार का सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त और सब कुछ छोड़कर वह संन्यास ले ले तथा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समय की अपेक्षा न रखकर एक ही रात ठहरने का नियम लेकर पृथ्वी पर विचरण करे। यदि वह वस्त्र पहने तो केवल कौपीन, जिससे उसके गुप्त अंग ढक जाएं, और जब तक कोई आपत्ति न आए तब तक दंड तथा अपने आश्रम के चिन्हों के सिवा अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण न करे। सन्यासी को चाहिए कि वह समस्त प्राणियों का हितैषी हो, शांत रहे, भगवत परायण रहे और किसी का आश्रय न लेकर अपने आप में ही रमे एवं अकेला ही विचरे। इस संपूर्ण विश्व को कार्य और कारण से अतीत परमात्मा में अध्यस्त जाने और कार्य कारण स्वरूप इस जगत में ब्रह्म स्वरूप अपने आत्मा को परिपूर्ण देखे। आत्मदर्शी सन्यासी सुषुप्ति और जागरण की संधि में अपने स्वरूप का अनुभव करे और बंधन तथा मोक्ष दोनों ही केवल माया है, वस्तुतः कुछ नहीं, ऐसा समझे। न तो शरीर की अवश्य होने वाली मृत्यु का अभिनंदन करे और न अनिश्चित जीवन का। केवल समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारण काल की प्रतीक्षा करता रहे। असत्य अनात्म वस्तु का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों से प्रीति न करे। अपने जीवन निर्वाह के लिए कोई जीविका न करे। केवल वाद विवाद के लिए कोई तर्क न करे और संसार में किसी का पक्ष न ले। शिष्य मंडली न जुटाए। बहुत से ग्रंथों का अभ्यास न करे। व्याख्यान न दे और बड़े बड़े कामों का आरंभ न करे। शांत समदर्शी एवं महात्मा सन्यासी के लिए किसी आश्रम का बंधन धर्म का कारण नहीं है। वह अपने आश्रम के चिन्हों को धारण करे चाहे छोड़ दे। उसके पास कोई आश्रम का चिन्ह न हो परंतु वह आत्मानुसंधान में मग्न हो तो अत्यंत विचारशील परंतु जान पड़े पागल और बालक की तरह
वह अत्यंत प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि से ऐसा जान पड़े मानो कोई गूंगा है। युधिष्ठिर, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। वह है दत्तात्रेय मुनि और भक्त राज प्रहलाद का संवाद। एक बार भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जी कुछ मंत्रियों के साथ लोगों के हृदय की बात जानने की इच्छा से लोकों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सह्य पर्वत की तलहटी में कावेरी नदी के तट पर पृथ्वी पर ही एक मुनि पड़े हुए हैं। उनके शरीर की निर्मल ज्योति, अंगों के धूलि धूसरित होने के कारण ढकी हुई थी। उनके कर्म आकार, वाणी और वर्ण आश्रम आदि के चिन्हों से लोग यह नहीं समझ सकते थे कि वे कोई सिद्ध पुरुष हैं या नहीं। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी ने अपने सिर से उनके चरणों का स्पर्श करके प्रणाम किया और विधिपूर्वक उनकी पूजा करके जानने की इच्छा से यह प्रश्न किया, भगवान, आपका शरीर उद्योगी और भोगी पुरुषों के समान हृष्ट पुष्ट है। संसार का यह नियम है कि उद्योग करने वालों को धन मिलता है, धन वालों को ही भोग प्राप्त होता है और भोगियों का ही शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, और कोई दूसरा कारण तो हो ही नहीं सकता। भगवान, आप कोई उद्योग तो करते नहीं, यूं ही पड़े रहते हैं, इसलिए आपके पास धन है नहीं, फिर आपको भोग वहाँ से प्राप्त होंगे, फिर आपको भोग कहाँ से प्राप्त होंगे। ब्राह्मण देवता, बिना भोग के ही आपका यह शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है? यदि हमारे सुनने योग्य हो तो अवश्य बतलाइए। आप विद्वान, समर्थ और चतुर हैं। आपकी बातें बड़ी अद्भुत और प्रिय होती हैं। ऐसी अवस्था में आप सारे संसार को कर्म करते हुए देखकर भी समभाव से पड़े हुए हैं, इसका क्या कारण है? नारद जी कहते हैं, धर्मराज, जब प्रहलाद जी ने महामुनि दत्तात्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, तब वे उनकी अमृतमयी वाणी के वशीभूत हो मुस्कुराते हुए बोले। दत्तात्रेय जी ने कहा, दैत्यराज, सभी श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा सम्मान करते हैं। मनुष्यों को कर्मों की प्रवृत्ति और उनकी निवृत्ति का क्या फल मिलता है, यह बात तुम अपनी ज्ञान दृष्टि से जानते ही हो। तुम्हारी अनन्य भक्ति के कारण देवाधिदेव भगवान नारायण सदा तुम्हारे हृदय में विराजमान रहते हैं, और जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देते हैं, वैसे ही वे तुम्हारे अज्ञान को नष्ट करते रहते हैं। तो भी प्रहलाद, मैंने जैसा कुछ जाना है उसके अनुसार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ, क्योंकि आत्मशुद्धि के अभिलाषियों को तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। प्रहलाद जी, तृष्णा एक ऐसी वस्तु है जो इच्छा अनुसार भोगों के प्राप्त होने पर भी पूरी नहीं होती। उसी के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकना पड़ता है। तृष्णा ने मुझसे न जाने कितने कर्म करवाए और उनके कारण न जाने कितनी योनियों में मुझे डाला। कर्मों के कारण अनेक योनियों में भटकते भटकते दैववश मुझे यह मनुष्य योनि मिली है, जो स्वर्ग मोक्ष तिर्यक योनि
तथा इस मानव देह की भी प्राप्ति द्वार है, प्राप्ति का द्वार है। इसमें पुण्य करें तो स्वर्ग, पाप करें तो पशु पक्षी आदि की योनि, निवृत्त हो जाएं तो मोक्ष, और दोनों प्रकार के कर्म किए जाएं तो फिर मनुष्य योनि की ही प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं देखता हूँ कि संसार के स्त्री पुरुष कर्म तो करते हैं सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए, किंतु उसका फल उल्टा होता ही है, वे और भी दुख में पड़ जाते हैं। इसलिए मैं कर्मों से उपरत हो गया हूँ। सुख ही आत्मा का स्वरूप है, समस्त चेष्टाओं की निवृत्ति ही उसका शरीर, उसके प्रकाशित होने का स्थान है। इसलिए समस्त भोगों को मनु राज्य मात्र समझकर मैं अपने प्रारब्ध को भोगता हुआ पड़ा रहता हूँ। मनुष्य अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात वास्तविक सुख को, जो अपना स्वरूप ही है, भूलकर इस मिथ्या द्वैत को सत्य मानता हुआ अत्यंत भयंकर और विचित्र जन्मों और मृत्युओं में भटकता रहता है। जैसे अज्ञानी मनुष्य जल में उत्पन्न तिनके और सेवार से ढके हुए जल को जल न समझकर जल के लिए मृग तृष्णा की ओर दौड़ता है, वैसे ही अपनी आत्मा से भिन्न वस्तु में सुख समझने वाला पुरुष आत्मा को छोड़कर विषयों की ओर दौड़ता है। प्रहलाद जी, शरीर आदि तो प्रारब्ध के अधीन है, उनके द्वारा जो अपने लिए सुख पाना और दुख मिटाना चाहता है वह कभी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। उसके बार बार किए हुए सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। मनुष्य सर्वदा शारीरिक, मानसिक आदि दुखों से आक्रांत ही रहता है। मरणशील तो है ही, यदि उसने बड़े श्रम और कष्ट से कुछ धन और भोग प्राप्त कर भी लिया तो क्या लाभ है। लोभी और इंद्रियों के वश में रहने वाले धनियों का दुख तो मैं देखता ही रहता हूँ। भय के मारे उन्हें नींद नहीं आती, सब पर उनका संदेह बना रहता है। जो जीवन और धन के लोभी हैं वे राजा, चोर, शत्रु, स्वजन, पशु पक्षी, याचक और काल से यहाँ तक कि कहीं मैं भूल न कर बैठूं, अधिक न खर्च कर दूं, इस आशंका से अपने आप भी सदा डरते रहते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जिसके कारण शोक, मोह, भय, क्रोध, राग, कायरता और श्रम आदि का शिकार होना पड़ता है, उस धन और जीवन की स्पृहा त्याग कर दे। इस लोक में मेरे सबसे बड़े गुरु हैं अजगर और मधुमक्खी। उनकी शिक्षा से हमें वैराग्य और संतोष की प्राप्ति हुई है। मधुमक्खी जैसे मधु इकट्ठा करती है, वैसे ही लोग बड़े कष्ट से धन संचय करते हैं, परंतु दूसरा ही कोई उस धन राशि के स्वामी को मारकर उसे छीन लेता है। इसमें मैंने यह शिक्षा ग्रहण की कि विषय भोगों से विरक्त ही रहना चाहिए। मैं अजगर के समान निश्चेष्ट पड़ा रहता हूँ और दैववश जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता हूँ, और यदि कुछ नहीं मिलता तो बहुत दिनों तक धैर्य धारण कर यूं ही पड़ा रहता हूँ। कभी थोड़ा अन्न खा लेता हूँ तो कभी बहुत, कभी स्वादिष्ट तो कभी नीरस बेस्वाद, और कभी अनेक गुणों से युक्त तो कभी सर्वथा गुणहीन, कभी बड़ी श्रद्धा से प्राप्त हुआ अन्न खाता हूँ तो कभी अपमान के साथ, और किसी किसी समय अपने आप ही मिल जाने पर
कभी दिन में, कभी रात में और कभी एक बार भोजन करके भी दोबारा कर लेता हूँ। मैं अपने प्रारब्ध के भोग में ही संतुष्ट रहता हूँ, इसलिए मुझे रेशमी या सूती मृगचर्म या चीर वलकल या और कुछ जैसा भी वस्त्र मिल जाता है वैसा ही पहन लेता हूँ। कभी मैं पृथ्वी, घास, पत्ते, पत्थर या राख के ढेर पर ही पड़ा रहता हूँ, तो कभी दूसरों की इच्छा से महलों में पलंगों और गद्दों पर सो लेता हूँ। दैत्यराज, कभी नहा धोकर शरीर में चंदन लगाकर सुंदर वस्त्र, फूलों के हार और गहने पहन रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर चलता हूँ, तो कभी पिशाच के समान बिल्कुल नंग धड़ंग विचरता हूँ। मनुष्यों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते ही हैं, अतः न तो मैं किसी की निंदा करता हूँ और न स्तुति ही। मैं केवल उनका परम कल्याण और परमात्मा से एकता चाहता हूँ। सत्य का अनुसंधान करने वाले मनुष्य को चाहिए कि जो नाना प्रकार के पदार्थ और उनके भेद विभेद मालूम पड़ रहे हैं उनको चित्तवृत्ति में हवन कर दें। चित्तवृत्ति को इन पदार्थों के संबंध में विविध भ्रम उत्पन्न करने वाले मन में, मन को सात्विक अहंकार में और सात्विक अहंकार को महत्तत्व के द्वारा माया में हवन कर दे। इस प्रकार ये सब भेद विभेद और उनका कारण माया ही है ऐसा निश्चय करके फिर उस माया को आत्मानुभूत में स्वाहा कर दे। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार के द्वारा आत्मस्वरूप में स्थित होकर निष्क्रिय एवं उपरत हो जाए। प्रहलाद जी, मेरी यह आत्मकथा अत्यंत गुप्त एवं लोक और शास्त्र से परे की वस्तु है। तुम भगवान के अत्यंत प्रेमी हो, इसलिए मैंने तुम्हारे प्रति इसका वर्णन किया है। नारद जी कहते हैं, महाराज, प्रहलाद जी ने दत्तात्रेय मुनि से परमहंसों के इस धर्म का श्रवण करके उनकी पूजा की और फिर उनसे विदा लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान किया। हरि शरणम् श्री कृष्णार्पणमस्तु।